हेलो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले एशियन ग्रेनिटो इंडिया से रिलेटेड। एशियन ग्रेनिटो अगर हम यहाँ पर बात करें, 2 बार ओएफएस लेके आया, ओएफएस से पैसे जुटाए, एज वेल एज अगर हम यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर इनके प्रमोटर्स ने पहले हिस्सेदारी यहाँ पर अच्छी खासी दी तो बेच दी, बेचने के बाद फिर दोबारा खरीदी और यहाँ पर एफआईज भी धीरे धीरे आना शुरू हुए थे, फिर वो भी यहाँ पर जाने लग गए। यहाँ पर बात करें पब्लिक की, पब्लिक भी खरीद रही थी बट वो भी हताश होकर धीरे धीरे यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी कम करने लग गई और बहुत सारे लोग इसे बेच के चुपचाप निकल गए। जब जब उसे टाइम मिला, जब जब शेयर ने बाउंस बैक दिया, पुल बैक दिया, शेयर में एक गिरावट होती हुई नजर आई। ये शेयर हमने भी काफी बार यहाँ पर वीडियोस बना के बताया था कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, एक आध बार शायद बाइंग की हमने सलाह भी दी थी। ओके, और अगर हम यहाँ पर देखें राइट इशू से रिलेटेड मैंने ज्यादा वीडियो एक दो बार बनाई थी कि कैसे यहाँ पर इसके राइट इशू को या किसी भी राइट इशू को यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हो, उससे रिलेटेड यहाँ पर वीडियो बनाई थी। अब एशियन ग्रेनिटो में एक्चुअली हो क्या सकता है, क्यों? क्योंकि इसका चार्ट देखे तो चार्ट की स्थिति बड़ी बेकार हो चुकी है और अब एग्जैक्टली जो मैं आपको बताऊंगा वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर शेयर में होने वाला है। ओके, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, देखिएगा ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली मैं क्या कह रहा हूँ। बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें ताकि आपको इस तरीके की वीडियो मिलती रहे और आप चीजों को समझ पाए। इसलिए यहाँ पर एक वीडियो हम अडानी से रिलेटेड ला रहे हैं, अलग अलग स्टॉक्स पे, अडानी ग्रीन, अडानी बुलमर, अडानी ट्रांसमिशन के रिजल्ट भी आया, जो देख लीजिए। बाकी आपको पता है हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसे हम वेल्थ क्रिएटर ग्रुप कहते हैं। आप इन नंबरों पर 8860540501, 8169260307 इन पे कॉन्टेक्ट करके आप यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। और क्या ले क्या आपको बेनिफिट होगा, हम यहाँ पर स्टॉक्स डालते हैं जो यहाँ पर आप देखिए 13%, 13%, 15%, 2%, 9%, 3%। ओके, ये आज के परफॉर्मेंस है, ओल्ड नहीं है। 3%, 3.5, 3.5 और 3% डाउन सेलिंग भी यहाँ पर बताते हैं, 7% अप। ओके, क्या यहाँ पर देखिए डेट के अमाउंट था वो हमने बताया, 12% अप, 5% अप। ओके, यहाँ पर आप देखोगे 5% अप, 11% अप, 5, 3, 17। ओके, 5%, 4, 5, 5। तो इस तरीके से ये शेयर यहाँ पर क्या है, मूव करते हुए नजर आते हैं, ये इस तरीके से शेयर भागते हुए नजर आते हैं। तो आप यहाँ पर इन नंबरों पे कांटेक्ट करके हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। देखिए 1000 रुपीज पर मंथ की इसकी फीस है, इतनी कम फीस रखी है कि आप इसमें ऐड होके 1000 रुपीज से तो ज्यादा कमाएंगे ही कमाएंगे, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। प्लस में 1000 रुपीज तो आप रेस्टोरेंट में खाना खाने में, बाहर घूमने में खर्च कर देते हैं और इससे अगर आपको ऐड होके बेनिफिट मिलता है और आपको पैसे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर ऐड होना चाहिए। बाकी हमारी प्रीमियम सर्विस भी है, अगर आप ऐड होंगे तो मैं आपको उससे रिलेटेड भी बाद में बताऊंगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाकी यहाँ पर देखिए इन नंबरों पर कॉन्टेक्ट करके हम किस तरीके से स्टॉक्स लाते हैं और ये स्टॉक्स भागते हुए नजर आते हैं, एक दिन पहले दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके पीछे का रीजन है पूरी स्टडी, टेक्निकल रिसर्च और फंडामेंटल। जब इन तीनों को मिलाते हैं तो शेयर भागते हुए नजर आते हैं और 100-100% तक हमें रिटर्न देते हुए नजर आते हैं और 120% तक यहाँ पर रिटर्न मिलते हुए नजर आए। तो यहाँ पर शायद मैंने यहाँ पर देखिए देखिए अनदर 100% एंड विद मोर देन 100% रिटर्न इन जस्ट 3 मंथ्स। तो यहाँ पर इस तरीके से रिटर्न बनते हुए नजर आते हैं। तो इन नंबरों पर कॉन्टेक्ट करके 1-on-1 क्लासेस ले सकते हैं, चीजों को सीख सकते हैं इंस्टेड ऑफ पैसे यहाँ पर डाल के आपको आपके साथ धोखा हो जाए, आप यहाँ पर ऊपर के लेवल पे फंस जाए या फिर आप अडानी की तरह स्टॉक्स में फंस जाए और यहाँ पर ना बेच पाए ना खरीद पाए। सही टाइम पे बाइंग, सही टाइम पे सेलिंग, सही टाइम पे निकल जाना स्टॉक से, सही टाइम पे छोटे से लॉस को ले लेना, सही टाइम पे अच्छे से प्रॉफिट को ले लेना, वो सब चीज यहाँ पर बताई जाती है। 3 मंथ्स की प्रैक्टिकल ऑनलाइन नोट्स स्ट्रेटेजी मार्केट में यूज करते हैं और वो भी 15,000 में, जहाँ लोग 50,000 लेते हैं वहां 15,000, वो भी 1-to-1 क्लासेस में। तो जाके एनरोल कर दीजिए। तो हम यहाँ पर बात करने वाले एशियन टाइम्स। एशियन टाइम्स की अगर हम बात करें तो टॉप 5 में यहाँ पर आता है, एज वेल एज अच्छे खासे यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स हैं, सबको पता है हर तरीके के प्रोडक्ट्स, मार्बल, पार्किंग, फ्लोर, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं। उनके क्लाइंट्स की बात करें तो बड़े बड़े जितने भी यहाँ पर नाम देखोगे आप, ग्रुप हो गए, जितने भी हाउसिंग्स हो गए, ये सब यहाँ पर इन्हीं से अपने यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर यूज करते हैं, इनके प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। कंपनी की बात करें 517 करोड़ रुपए की कंपनी है। ओके, माइक्रो कैप कंपनी है, 9 का PE है, 16 का यहाँ पर 16% के आसपास का डेट है, कंपनी के ऊपर ज्यादा डेट भी नहीं है। और कंपनी की बुक वैल्यू देखें तो 104 रुपए की है, तो कल को बंद हो जाती है तो 104 रुपए तो आपको मिलने ही मिलने हैं, तो यहाँ से डबल आपको दिखाई देता है। बट क्या अभी शेयर को लेना चाहिए, क्वेश्चन ये है, शेयर अच्छा है नो डाउट, क्या अभी लेना चाहिए? क्योंकि अभी लेना
चाहिए या नहीं चाहिए, इसको जब हम चार्ट पे चलेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी यहाँ पर देखिए तो कंपनी, यहाँ पर इसके रिजल्ट आए और इस कंपनी ने एकदम बेकार, जिसे कहते हैं बकवास, रिजल्ट पेश करते हुए नजर आए। 399 करोड़ रुपीज की सेल्स हुई, जिसमें से यहाँ पर आप देखोगे -29 मतलब 428 करोड़ का यहाँ पर खर्चा कर दिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए कंपनी का घाटा चलता हुआ नजर आया, घाटा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ओके, और ये जो घाटा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कंपनी का लगातार, ये एक चिंता का विषय है और यहाँ पर ऐसी कंपनीज के साथ रहना कहीं ना कहीं दुश्वार होता हुआ नजर आ सकता है। तो शेयर यहाँ पर मुझे आई थिंक 2 से 3 क्वार्टर और शायद 1 साल और चलता हुआ नजर नहीं आ रहा, और शायद 2 साल भी हो सकते हैं, तो इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं होगी। तो अभी क्या है, अभी इस शेयर से दूर रहना है, बट शेयर कहाँ तक गिर सकता है, क्या करना चाहिए, उससे रिलेटेड चार्ट पे चलेंगे तब बात करेंगे। कंपनी ने अच्छे खासे रिजल्ट पेश करे और कभी अच्छे खासे यहाँ पर अगर हम चार्ट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ऐसे रिटर्न, यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद ऐसे रिटर्न भी मिलते हुए नजर आए हैं कि शेयर यहाँ पर 600, 600, 800, 800 रुपए तक यहाँ पर भागता हुआ नजर आया। कंपनी का अच्छी खासी यहाँ पर देखिए रिजर्व है लगभग 1200 करोड़ के, और बोरिंग है जो यहाँ पर कम होती हुई नजर आ रही है, वर्किंग प्रोग्रेस में 4600 करोड़ के आसपास है। और यहाँ पर कंपनी की बात करें, कंपनी अच्छा खासा काम करती हुई नजर आ रही है, कैश है सब है, बट कंपनी चल नहीं रही है, शेयर यहाँ पर भाग नहीं रहा है। और हमारा भागने से मतलब है शेयर जब भागेगा तब यहाँ पर शेयर में मजे आएंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अभी ऐसा कुछ खास नहीं है, ना अच्छा नजर आ रहा है। और शेयर को भगाने के लिए क्या चाहिए, शेयर को भगाने के लिए खरीदार चाहिए, बायर चाहिए, और जब तक बायर्स नहीं आएंगे शेयर कहाँ से होंगे। तो यहाँ पर बायर्स नहीं, यहाँ पर सेलर्स एक्टिव है, जो प्राइस एक्शन और जो वॉल्यूम एक्शन बना हुआ है वो सेलिंग का बना हुआ है। शेयर एक तरह अगर 2018 से बात करें लगातार गिर रहा है, अब क्या है शेयर गिरने के बाद और एकदम बेकार इसके रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए, तो शायद एक ये क्या है यहाँ पर आप देखोगे इसका एक सपोर्ट है, अगर यहाँ पर ये रुक जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यहाँ पर मुझे अगला सपोर्ट इसका यहाँ पर नजर आता है 18 और 10 और 18 रुपए, 10 और 18 रुपए के आसपास, 13 रुपए के आसपास। तो शेयर अगर यहाँ तक आ जाए तो कोई यहाँ पर चौंकेगा मत। ओके, उस टाइम यहाँ पर एक कंसोलिडेशन होके कंपनी अच्छा रिजल्ट पेश करेगी, कंपनी अपने आप को सुधारेगी, तो उसके बाद धीरे धीरे शायद ये शेयर रिकवर होगा और आपको एक ऐसे रिटर्न दोबारा देखने को मिलेंगे। तो कंपनी को ध्यान में रखिएगा, बट अभी लेने लायक नहीं है, अभी शेयर स्टेज 4 में, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 में है। यहाँ पर केवल सेलिंग और सेलिंग दिखाई देती है, इसके 1 चालू होगी फिर 2 चालू होगी तब यहाँ पर पैसा बनेगा। तो इस शेयर को लगभग 1 से 2 साल के लिए अभी फिलहाल हम भूल जाते हैं, ध्यान देते नहीं है, नजर नहीं रखते, क्योंकि एकदम बेकार यहाँ पर इसके फंडामेंटल्स हो चुके हैं। जब इसके फंडामेंटल्स अच्छे होंगे दोबारा हम इस शेयर की तरफ देखेंगे। बाकी यहाँ पर आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करके, जो नीचे नंबर्स दे रखे हैं, आप कांटेक्ट करके इस कोर्स के बारे में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, वो भी 1000 रुपीज पर मंथ में, जहाँ पर अच्छे अच्छे स्टॉक्स देते हैं और परफॉर्मेंस में आपको दिखा चुका हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व भी की जाती है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है वो भी हम यहाँ पर सॉल्व करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर आप इन वीडियोज को देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर सकते हैं, ताकि इस तरह की वीडियोस हम यहाँ पर लाते रहे, हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। और यहाँ पर एशियन टाइल को अभी इग्नोर करने की हम सलाह देंगे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।